अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफलाक वल अर्ज़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिही وأصحابه وزريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جميعا बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज बहरे खुदा इमदाद कुन आमीन या शफी अल मुज़नबिया रहमतल लिल आलमी या अमान अल खाइफिया मुल्तजा इमदाद कुन आमीन या शहीद करबलाया दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगो कुबा इमदाद कुन आमीन आमीन बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अलैहि सलातुम व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई बात अगर आपको पसंद आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। सुभान अल्लाह कहने से बड़े फायदे हैं। हदीस पाक में आया है जो शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है उसके नाम का जन्नत में अल्लाह खजूर का एक दरख्त लगा देता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान उस दरख्त के नीचे वही बैठेगा जिसने दुनिया में सुभान अल्लाह कहा होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहिएगा और अपने नामाए आमाल में नेकियां भी लिखवाइए और अपने नाम का जन्नत में एक दरख्त भी लगवाइए। सुभान अल्लाह। और आपने नाते बहुत सुन ली हैं मगर मदह खाने मुस्तफ़ा की फहरिस्त में नाम दर्ज कराने के लिए अगर इजाज़त हो और आप पर बार ना गुजरे दुश्वार ना हो तो मैं भी तीन शेर आप हजरात की समातों के हवाले कर दूं। जी जी है? हाथ उठाकर कहें कि कौन कौन सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह मैं सिर्फ चंद अशार पढ़ूंगा और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। शेर पेश कर रहा हूँ समाअत फरमाएं। नकीब जलसा का हुक्म हुआ है कि वो कलाम सुनाइए पर्दे में लेकिन सब पे नजर है।
अल्लाह ही जाने कौन बशर है। नेट पर इस कलाम ने धूम मचा कर रख दी है और बहुत लोग देख चुके हैं, दसियों लाख के करीब लोगों ने इसको देख लिया है। तो मैं चाहता हूँ ये कलाम आप हजरात की भी समाअत के हवाले कर दूँ। और चूंकि इस कलाम का एक शेर जो है बड़ा जबरदस्त शेर है, अगर आपकी समझ में आएगा तो आप इंशाल्लाह खड़े होकर इस पर नारा लगाएंगे, ये मेरा यकीन है जी। बेशक बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भैया माइक को नहीं छेड़ना, माइक की चाहे इसकी आवाज थोड़ी कम कर दो और इको इतनी ही रहने दो, अभी कर देना साइड से, है ना। हाँ, जो भारीपन है इसका वो खत्म हो जाए, हल्की सी आवाज डाउन कर दो बस, इको वैसी बरकरार रहने दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा माइक आपका बोल रहा है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और बस शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। पर्दे में लेकिन बेशक सुभान अल्लाह, नबी पर्दे में है, नबी मगर हमको सबको देख रहे हैं जी। आप कहेंगे कैसे देख रहे हैं तो वो ही बताऊंगा। नबी पर्दे में है लेकिन हम गुनाहगारों को सबको देख रहे हैं। कि कौन यहाँ सुनने के लिए आया है और कौन जलसा खराब करने के लिए आया है जी। नबी सबको देख रहे हैं और कौन यहाँ सुनने के लिए आया है और कौन चेहरा दिखाने आया है और कौन दुनिया के मजे लूटने आया है और कौन नबी के इश्क में आकर बैठा है। शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाए। पर्दे में लेकिन, पर्दे में लेकिन, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। बेशक। अरे भैया तुम भी कह दो सुभान। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बेशक बेशक सुभान। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहें, उंगली उठी तो चांद दो टुकड़े हो गया जी। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुल्तानी साहब जैसी तो हमारी आवाज है नहीं, है मगर इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की। तबीयत लग रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर कह दो सुभान अल्लाह, लेकिन वो रिस्पॉन्स आपकी जानिब से नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए है? तो शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। जी बेशक सुभान अल्लाह। इश्क वैसी फखरे अबू ज़र, उनका जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो कोह बने जर, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। मालिक के कुल है कच्चा घर है, मालिक के कुल है कच्चा घर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। इश्क वैसी फखरे अबू ज़र, उनका जलवा
सब में उजागर। अरे चाहले वो तो कोह बने जर, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। मालिक के कुल है कच्चा घर है, मालिक के कुल है कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये शेरी पेश कर रहा हूं समाज जी आता। सजदा बूतों से अपने नबी की शान देखिए, सजदा बूतों से भी करवा ए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। बेशक बेशक, सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। अरे डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में हाँ हैरत में बूबकर उमर है, सुभान अल्लाह। हैरत में बूबकर उमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह, माशाल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह, हैरत में बूबकर उमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या कह रहे। और देख के उनका रूए मुनव्वर, वाह दे अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह, क्या कहने। देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहु अकबर। सीना लम नशे रहता मजहर, शक्ल बशर है नूर का पैकर। अरे शाम है गेसू चेहरा सहर है, शाम है गेसू चेहरा सहर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, शाम है गेसू चेहरा सहर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुलंदाबाद से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 रबीउन नूर को इमामुल अंबिया फखरे अंबिया ताजदारे अरबो अजम आमना बीबी के दुलारे किश्तिये उम्मत के खेवन हारे डूबती नैया तराने वाले रब की नेमत खिलाने वाले अहमद मुज्तबा सैयदी सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
कि आमदे पुरबहार से पहले जमाने के हालात बड़े नासाजगार थे। आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में फिसादात, लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ देना, ये उस जमाने के लोगों का रीत और रिवाज बन चुका है। आपस में जब लड़ाई होती तो कुछ तो खून के बाजार गर्म हो जाते हैं। हालात सिर्फ यही नहीं बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर और हिंदुस्तान तक ऐसे हालात थे कि हिंदुस्तान में 32 करोड़ बातिल माबूदों की इबादत की जाती थी। 32 करोड़, अल्लाह अकबर। इससे आप अंदाजा लगाएं कि खुदा का नाम लेने वाला कोई कहीं कहीं दीने इब्राहिमी पर पूरी दुनिया में था। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला को इस उम्मत पर रहम आया और हर चहार जानिब से यतीम, गरीब, मिस्कीन तमाम के तमाम दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए थे। मौला किसी को भेज दे, मौला हमारी हिफाजत के लिए भेज दे, मौला अपना फजल फरमा दे। अल्लाह को की बारगाह में ये दुआ कबूल हुई और परवरदिगार आलम को इस उम्मत पर रहम आया तो परवरदिगार आलम ने अपने हबीब पाक सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे तुम्हारे दरमियान में मबऊस फरमाया, भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त मुबारक से मुंतकिल होकर हजरत आमना के शिकम मुबारक में मुंतकिल हो गया। हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम मुबारक में मुंतकिल हुआ ये नूर और 2 महीने अभी सरकार को अपनी माँ के पेट में गुजरे थे कि वालिदे गिरामी हजरत जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल पुरमलाल हो गया। सरकार अभी 2 महीने के है पेट में और वाली साहब का साया सर से उठ गया। अल्लाह अकबर। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिकम में जलवा अफरोज हुए तो मैंने देखा कि हाल ये हुआ कि मैं रात में कोई चराग नहीं जलाती, कोई रोशनी का इंतजाम नहीं करती। मेरे पड़ोस की औरतें आती और कहती, ऐ आमना ये बताओ कि पूरी पूरी रात तुम्हारे घर में कौन सी रोशनी का इंतजाम रहता है कि रात भर दरीचों से रोशनी फूट कर और बाहर रास्ते पर आती है। ऐ आमना बड़े बड़े अमीरों के यहाँ पर हमने ऐसी रोशनी नहीं देखी, बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ पर पूरी रात चराग नहीं जल पाता। ऐ आमना ये बताओ तुम्हारे पास कौन सी दौलत हाथ लग गई है जो तुम्हारे घर में नूर ही नूर रहता है, तुम्हारा घर नूर से मुनव्वर रहता है। हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने कोई रोशनी का इंतजाम नहीं किया है बल्कि जब से मैं उम्मीद से हुई हूँ उस दिन से लेकर और आज तक मेरे घर के अंदर उसी की बरकत है कि जो मेरे शिकम में जलवा अफरोज है उसी की बरकतें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के अंदर नूर ही नूर रहता है, नूर ही नूर नजर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात अब आगे गौर फरमाएं और तवज्जो दीजिएगा। हजरत दाई हलीमा फरमाती, हजरत आमना फरमाती हैं कि मैं जब कभी रास्ते से गुजरती, किसी गली कूचे से गुजरती, अगर मेरे पैर के नीचे कोई पत्थर आ जाता, कोई कंकड़ आ जाता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बरकत से वो पत्थर कंकड़ पिघल कर के मोम बन जाता था। सुभान अल्लाह। अपने नबी की शान देखिए, अभी पैदा भी नहीं हुए मगर मौजजात का जहूर हो रहा है। पैदा भी नहीं हुए मौजजात का जहूर। बहुत से लोगों ने अपनी किताबों में लिख मारा और लिख दिया नबी को नबुव्वत 40 साल की उम्र में मिली है। माज़ अल्लाह। नबी को नबुव्वत 40 साल की, बोले
उम्र में मिली है। अब 40 साल की उम्र में अगर नबूवत मिलती तो अभी तो माँ के पेट में है, मौजजात का जहूर कैसे हो रहा है। अब आओ गौर करो, हजरत दाई अली हजरत आमना फरमाती हैं, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर मेरे शिकम में जलवा फरोज है, और जब जलवा फरोज है मैं पानी लेने के लिए कुएं पर जाती थी, कुएं पर जाई कुएं पर पहुंचती हूँ, हाथ में ना डोल है ना हाथ में कोई रस्सी है, अल्लाहु अकबर कुएं के करीब पहुंच जाती है, औरतें इंतजार कर रही है, कोई अपनी बकरियों के रेवड़ को लिए खड़ी है, कोई पानी निकालने के लिए खड़ी है, किसी के हाथ में ढोल है, किसी के हाथ में रस्सी है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजरत आमना का इंतजार हो रहा है, हजरत आमना का इंतजार हो रहा है, हजरत आमना आई, अल्लाह अल्लाह, फरमाया कैसे खड़ी हो, कहती है आमना बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अल्लाहु अकबर, ऐ आमना आ जाओ, हजरत आमना कुएं के करीब गई, करीब जाने के बाद में हजरत आमना ने अपने चेहरे को कुएं की पानी की जानिब दिखाया, कुएं की तरफ अपने चेहरे को दिखाना था, पानी पर आपका चेहरा चेहरे का अक्स नजर आना था, बस ये हुआ और देखा गया कि पूरे का पूरा पानी कुएं का ऊपर को आना शुरू हो गया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़िबला। हजरत आमना फरमाती हैं, अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा अपने अपनी शक्ल को दिखाया, कुएं का पानी ऊपर को आ गया, औरतों ने अपने अपने बर्तन भर लिए, मैंने भी पानी जितना जरूरत के मुताबिक था ले लिया, और यही नहीं हुआ, औरतों ने अपनी बकरियों को भी पानी पिला दिया, अभी सरकार पैदा भी नहीं हुए है मगर मेरे सरकार के मौजजात का जहूर हो रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार की तशरीफ आवरी होने वाली है। हजरत आमना फरमाती है, मैंने देखा कभी तो हजरत आदम आ रहे हैं, कभी हजरत शीस आ रहे हैं, कभी हजरत दानियाल आ रहे हैं, कभी हजरत यूशा आ रहे हैं, कभी हजरत यूनुस आ रहे हैं, कभी हजरत जकरिया आ रहे हैं, कभी हजरत यूसुफ आ रहे हैं, कभी हजरत याकूब आ रहे हैं, कभी हजरत इब्राहिम आ रहे हैं, कभी हजरत इस्माइल आ रहे हैं, और कह रहे हैं ऐ आमना मुबारक हो, तेरी गोद में आम इंसान नहीं आ रहा है, तेरी गोद में इमामुल अंबिया तशरीफ लाने वाले। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। अरे सरकार ने ये दुनिया, अल्लाह ने ये दुनिया बनाई सरकार के लिए बनाई, आला हजरत फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमीनो जमा मकीनो मका तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दहन में जबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जबान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे।
हमारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत अच्छे। ये मेरे सरकार की शान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ गौर करो और देखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। इंतजाम तमाम हो गए हैं, रब की तरफ से इंतजाम हो गए हैं। मेरा महबूब आने वाला है, अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाने काबा के तवाफ में मशगूल थे। आप खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, आपने देखा तवाफ करते करते अचानक काबतुल्लाह की दीवारें मेरे घर की तरफ झुकने लगती हैं। जब ये देखा तो देखकर हैरान हो गए, ये मेरे घर की तरफ दीवारें क्यों झुक रही हैं, काबा क्यों झुक रहा है। और झुका काबा और झुक करके फिर खड़ा हो गया। ऐ लोगों बताओ, अगर नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली है तो काबा नबी की पैदाइश पर क्यों झुक रहा है। जी बेशक बेशक, क्यों ये काबा झुकता नजर आ रहा है। काबतुल्ला झुक गया, झुक करके फिर खड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर आया और आने के बाद में मैंने जैसे ही दरवाजे में कदम रखा, एक अजनबी आदमी ने तलवार के इशारे से मुझे रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, घर मेरा, मकान मेरा और मुझे ही रोका जा रहा है, तुम कौन हो। तो अल्लाहु अकबर, उस शख्स ने कहा था अजनबी ने, अरे तुम्हें मालूम नहीं है इमाम उल अंबिया आ चुके हैं, शमशुद्दुहा आ चुके हैं, बद्रुद्दुजा आ चुके हैं, नूरुल हुदा आ चुके हैं, सैयदी सकलैन आ चुके हैं, नबीयुल हरमैन आ चुके हैं, शमशुद्दुहा आका आ चुके हैं, बद्रुद्दुजा आका आ चुके हैं। ये वही रसूल हैं जिनकी खुशखबरी आदम ने दी है, शीश ने दी है, यूनुस ने दी है, जकरिया ने दी है, दानियाल ने दी है, यूसुफ ने दी है और याकूब ने दी है, इब्राहिम नदी है, इस्माइल नदी है। वो रसूल आ चुके हैं जिनके लिए कायनात बनाई गई है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, कुर्बान हो जाओ, तुम्हें नबी भी मिला है तो बेबी साल तुम्हें रसूल सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न दुनिया में तुम्हारे नबी का कोई जवाब है, न दीने इस्लाम का कोई जवाब है, और न कलामुल्लाह कुरान अजीम का कोई जवाब। दुनिया कयामत तक इस पर उंगली उठाती रहेगी, इसलिए कि जो चीज तरक्की करती है लोग मुखालिब बन जाते हैं खुद ब खुद। हसन, इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम यूरोप में बढ़ रहा है, इस्लाम अमेरिका में बढ़ रहा है, इस्लाम एशिया में भी बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है। मैंने जब इस चीज का अध्ययन किया और मैंने इस चीज पर गौर किया कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, फरोख्त होने वाली किताब कौन सी है और सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कौन सी है, तो इसका पता ये लगा कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा छपने वाली किताब कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। ज्यादा बिकने वाली किताब भी, मार्केट में जितनी किताब भी है उन किताबों में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब और फरोख्त होने वाली वो कुरान अजीम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, इसी से अंदाजा लगा लो। आओ देखो, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं अपने घर के बाहर खड़ा रहा और मुझे हुक्म हो गया कि तुम जो हो अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो, क्यों अंदर नहीं जा सकते? अल्लाहु अकबर कबीरा, अजनबी शख्स ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अभी फरिश्ते दीदार करने में लगे हुए हैं, इंसानों को दीदार करने
की अभी इजाजत नहीं है, अभी फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, कतार दर कतार आ रहे हैं, लाइन दर लाइन आ रहे हैं, काफला दर काफला आ रहे हैं, और आने के बाद नबी के घर पर तशरीफ ला रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकान में पैदा हुए उस मकान को फरिश्तों ने चारों तरफ से घेर रखा है और कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह। जो लोग सलाम पर एतराज करते हैं मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, अरे सलाम तो नबी की पैदाइश पर हजरत जिब्रील ने भी पढ़ा है, हजरत मीकाईल ने भी पढ़ा है, हजरत इस्राफील ने भी पढ़ा है। तो जो अकीदा हजरत इस्राफील का है वही अकीदा बरेली के अहमद रज़ा का, वाह बेशक। जो इज़राइल का अकीदा है वही बरेली के अहमद रज़ा का अकीदा है, जो हजरत जिब्रील का अकीदा है वही बरेली के अहमद रज़ा का अकीदा है, जो हजरत इस्राफील का अकीदा है वही तो बरेली के अहमद रज़ा का अकीदा है। मालूम ये हुआ अगर इस मुनासिबत से देखें तो जिब्रील भी बरेलवी है, मीकाईल भी बरेलवी है, इस्राफील भी बरेलवी है, सारे फरिश्ते बरेलवी है। इसलिए के सलाम पढ़ना इस जमाने में बरेलवियत की पहचान है, और सलाम फरिश्तों ने पढ़ा है तो सलाम पढ़ना फरिश्तों की। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब किबला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं अपने घर के अंदर बाद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा नूरानी चेहरा है, प्यारा चेहरा है, शक्लो सूरत ऐसी है कि कभी देखी नहीं। आप फरमाते हैं मेरी तबीयत देखकर खुश हो गई। अरे भाई, जिसके यहाँ बाप पहले ही मर गया हो, इंतकाल कर गया हो, और उसके यहाँ बेटा पैदा हो जाए तो पूरे महल्ले वाले को खुशी होती है, नहीं होती कि यार चलो यार उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया। खानदान कुरैश में खुशी की लहर है। अल्लाहु अकबर। सुबह सादिक के वक्त सरवर कायनात दुनिया में तशरीफ लाए। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, सरकार की जलवागरी हो गई। लोग कहते हैं बोले 12 रबीउल अव्वल ही को सरकार ने पर्दा फरमाया, तो बोले ये बरेलवी नबी की वफात मनाते हैं, तो 12 वफात ना कहा करो इसे, बल्कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहा करो या 12 रबीउन नूर कहा करो। बोले इसी दिन वफात और इसी दिन पैदाइश, बोले ये बरेलवी सरकार की वफात मनाते हैं, हम लोग नबी की पैदाइश मनाते हैं। और भाई वफात वो मनाए जिसका नबी मरकर मिट्टी में मिल गया हो। हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक हमारा नबी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ गौर करो और तवज्जो दो। हदीस पाक में अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नल्लाहा हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबियाई फनबीउल्लाह हयी उर्ज़क। अल्लाह ने अंबिया इकराम के जिस्मों को जमीन पर खाना हराम कर दिया है, वो अपनी खबरों के अंदर जिंदा है। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। मेरा नबी तुम्हारा नबी जिंदा, बेशक जिंदा या नहीं, नबी जिंदा, अल्लाहु अकबर, सरकार जिंदा। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला, ऐ महबूब तुम्हारी आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कयामत तक सरकार के मर्तबे में बुलंदी होती रहेगी, मरातिब बढ़ाए जाते रहेंगे। तो अगर नबी मुर्दा होते तो मर्तबे कैसे बढ़ते? मालूम ये हुआ नबी जिंदा हैं, इसलिए मर्तबे में कयामत तक बढ़ोतरी होती रहेगी। और कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे में बढ़ोतरी होती रहेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब गौर करो, तवज्जो दीजिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवा गरी हो गई है। आमना के लाल दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, पूरे अरब के अंदर जो है एक रोशनी फैल गई है। हर तरफ खुशबू ही खुशबू है, हर तरफ हर रास्ता महक रहा है, हर गली महक रही है। कोई आने वाला यहूदी आकर कहता है, ऐ लोगो जानते हो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लोगों ने कहा हमें पता नहीं है। कहा ये बताओ ये महक कहाँ से आ रही है? ये सूखे दरख्तों में जो है हरी पत्तियां कैसे लग रही हैं? ये बेमौसम के पेड़ों पर फल कैसे आ रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, सब ने इनकार कर दिया। यहूदी कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है, आज इमामुल अंबिया दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है। सुभान अल्लाह, ये मुंडी मिला की में जलसा नहीं हो रहा है, सजावट पूरी दुनिया में हो रही है। तो मुंडी में लगवा लो, तुम अपनी अपने मुकद्दर पर कुर्बान हो जाओ कि तुमने भी सरकार का मिलाद। किसकी धूम है लोगों, हर तरफ उजाला है। आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है, आमना के प्यारे का मर्तबा निराला है। और अंबिया लगे कहने, बशारत हो अंबिया लगे कहने, आमना बशारत हो, क्योंकि आज घर तेरे नूर आने वाला है। क्योंकि आज घर तेरे नूर आने वाला है। और आज भी मेरे आका है मजार में जिंदा, आज भी मेरे आका है मजार में जिंदा। इसलिए जहां देखो उनका बोल बाला है, जहाँ देखो उनका बोल बाला है। सुभान अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह। हजरत आमना के घर में नबी करीम की पैदाइश हो गई है, दाइयां लेने के लिए आ गई है। अल्लाह अल्लाह, तमाम दाइयां आई मगर अल्लाह अकबर कबीरा, लोग कहते हैं गरीब समझ करके छोड़ दिया था। नहीं नहीं, बल्कि मेरा ईमान तो कहता है मेरे आका ने किसी और को पसंद ही नहीं फरमाया। हजरत दाई हलीमा आ गई है, मुफलिसी का आलम है, कमजोरी है, अल्लाहु अकबर घर में खाने के लिए भी कुछ मैसर नहीं है। पूछा गया कोई बच्चा है या नहीं है, सबने कह दिया बच्चे तो सबके सब चले गए हैं। मगर ऐ हलीमा सुनो, अब की मर्तबा तो मक्के में बहुत ही बच्चे पैदा हुए हैं, इतने बच्चे किसी भी साल पैदा नहीं हुए। और सुनो एक बात और बताऊं, नबी का मीलाद भी अल्लाह ने खुद मनाया। कैसे मनाया? अल्लाह ने पूरे मक्के में एक भी लड़की पैदा नहीं फरमाई, सारे के सारे लड़के ही पैदा हुए, सारे के सारे लड़के पैदा हुए।
कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई इसलिए कि इंसानी नफ्स का तकाजा है और इंसान को बेटों से ज्यादा मोहब्बत होती है। किसी के घर में बेटा पैदा हो जाए तो बस सीना तन जाता है, रोड पे घूमता है, बोले लड़का पैदा हुआ है। कुछ जाहिल ये कहते हैं, बोले एक लाठी बढ़ गई है खानदान में। और कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो नेता किस्म के हैं, गांव की राजनीति करते हैं, बोले एक वोट बढ़ गया है। यही बात है ना। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर किसी के लड़की पैदा हो तो एक दो दिन तो घर में से नहीं निकलता, नीचे को मुकर, भाई क्या बात है, क्या खैरियत तो है, बोले हाँ बेटी पैदा हुई है। बड़े मरे हुए दिल से कहता बेटी पैदा हुई। लड़का पैदा हो जाए तो शेर की तरह, और मियाँ ये तबर्रुक लो और वो रसगुल्ले लो और ये मिठाई लो, और बेटी पैदा हो जाए तो गुड़ बांटने में भी दिक्कत होती, समझना, मस्जिद तलक में पैसे नहीं। और जैसी खबर मिली बच्चा अभी घर भी नहीं आया और फौरन, अरे भाई 500 रुपए बोलो लड़का पैदा हुआ है, फला गया, ताकि पूरे गांव वालों को पता लग जाए। अल्लाह ने बेटे ही बेटे कौम को अता फरमाए, नबी पैदा हुए तो बेटे ही बेटे पैदा हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने खसाइसुल कुबरा के अंदर है, नमतुल कुबरा के अंदर भी है कि तीन झंडे लगाए। कितने झंडे लगाए? ये जो झंडिया लगा रहे हैं, हम जो झंडे लगाते हैं, ये हदीस साबित है। सरकार की पैदाइश पर तीन झंडे लगाए गए, एक झंडा मशरिक में लगाया गया, एक झंडा मगरिब में लगाया गया, एक झंडा हजरत आमना के घर की छत पर लगाया गया, एक रिवायत में और ये कि एक झंडा काबे की छत पर लगाया गया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लगाया गया, और एक झंडा हजरत आमना के घर की छत पर लगाया गया। अल्लाह अल्लाह, ये झंडे क्यों लगाए गए? इसलिए ताकि पहचान हो जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए, ऐ लोगों दुनिया के अंदर अब किसी और की हुकूमत नहीं चलेगी, अगर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ आमना के लाल की हुकूमत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झंडे से पहचान होती है, बेशक झंडे से पहचान होती है ना। अगर आपके घर की छत पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है तो बीएसपी वाला कहेगा यहाँ टाइम बर्बाद करना बेकार है, झंडा बता रहा है किसका आदमी है। अगर समाजवादी का झंडा लगा हुआ है तो बीजेपी वाला आएगा उस घर में, अगर बीएसपी का झंडा लगा हुआ है तो समाजवादी वाला आएगा, बोले ये तो माया का आदमी है, बोले ये तो साइकिल का आदमी है, बोले ये तो फूल का आदमी है। झंडा बता रहा है किसका आदमी है। अगर फूल का झंडा है तो बीजेपी में तुम्हारी गिनती, अगर साइकिल का झंडा है तो आपकी गिनती समाजवादी में, हाथी का झंडा है तो बीएसपी में आपकी गिनती। मैं कहता हूं सुन्नियों, किसी और का झंडा ना लगाओ, प्यारे मुस्तफा का झंडा लगा लो, ताकि आशिके रसूल में तुम्हारी गिनती हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, बेशरीद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे घर की छत पर झंडा लगा हुआ है, हरे रंग का झंडा है, तो अहले हदीस नहीं आएगा, बोले ये तो बरेलवी है, ये तो आशिके रसूल है, झंडा बता रहा है, देवबंदी नहीं आएगा, बोले टाइम बर्बाद करना बेकार है, बोले झंडा बता रहा है, ये मुस्तफा का दीवाना है, ये नबी के इश्क में किश्क के बाजार में बिक गया है, यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ किसी और की नहीं चलने वाली है, झंडा पहचान बता देता है। इसलिए जब रबीउल अव्वल आया करे तो अपने अपने घरों की छतों पर झंडे लगा दिया करो, और तमाम पार्टियों के झंडे उतार कर रख दिया करो, और अपने नबी का झंडा लगा लिया करो। ये झंडा दुनिया में भी काम देगा और ये झंडा कयामत में भी काम देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, क्या कहने। मौलाना सुफियान साहब, मैंने झांसी में देखा, झांसी की सरजमीन पर मैंने देखा एक आदमी की छत पर झंडा लगा हुआ था,
अब वो उसने लगा दिया तो पूरे साल वो उतारता ही नहीं था, फिर बदलता था रबीउल अव्वल शरीफ का जब दिन मौका आता था जब बदलता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, बारिश हुई, बिजली कड़की और जैसे ही उसके घर पर बिजली गिरी तो वो सारी की सारी बिजली झंडे पर गिर गई और उसका घर झंडे की वजह से महफूज हो गया। सुभान अल्लाह, ये मेरी आंखों देखी बात है, किसी की सुनी भी नहीं कह रहा। तो उस शख्स का पूरा घर अमनो अमान में हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरते अल्लाह अकबर कबीरा, हजरते दाई हलीमा आती है मक्कतुल मुकर्रमा में, देखती हैं अल्लाह अल्लाह, सरवरे कायनात के घर का पता बता दिया गया। ऐ हलीमा, अब्दुल्ला के घर पर बेटा पैदा हुआ है, जाओ खानदान कुरैश में भी एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, उस बच्चे की माँ का नाम आमना है, सिर्फ वही बच्चा बचा हुआ है, बाकी सारे बच्चे जा चुके हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत दाई हलीमा फरमाती है मैं गई और मैंने जाकर के दरवाजा खटखटाया, दरवाजे में से जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया तो फौरन ही दरवाजा खुला। कौन? कहा मैं दाई हलीमा हूँ, कबीले साथ से आई हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसे आई हो बहन? कहा मैं आपके बच्चे के बारे में सुनकर आई हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला है, आपका बच्चा लेने के लिए आया। सुभान अल्लाह, मेरे नबी, इसकी अम्मी रोने लगी, आंखों से आंसू जारी है, सरकार की वालदा रोती है, कप कपाती हुई जबान में इरशाद फरमाती है, ऐ हलीमा तुम यहाँ पर बच्चा मेरा लेने के लिए आई हो, और सब बच्चे तो जा चुके हैं, मेरा तन्हा बच्चा बचा हुआ है। ऐ हलीमा मगर सुनो, यहाँ मेरे घर पर जो तुम आई हो, यहाँ से कोई दौलत नहीं मिलेगी, कोई खजाना नहीं मिलेगा, कोई माल दौलत तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, मेरे घर पर गुर्बत दामन तोड़ रही है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, बच्चे के बाप भी जब ये 2 महीने के पेट में थे जब वो इंतकाल कर गए थे, शौहर का साया भी सर से उड़ गया है, ये बच्चा यतीम है, अब देख लो इसको ले जाओगी या नहीं। हजरत हलीमा फरमाती है ये फैसला तो बाद में करूंगी, पहले उस बच्चे को दिखा दो जो बच्चा तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ। हजरत दाई हलीमा के पास नबी की अम्मी बच्चे को लेकर आती है, सरकार को लेकर आ रही है, सरकार का जिसमें अकदस सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है, सरकार आराम फरमा रहे हैं, इतने में देखा गया हजरत दाई हलीमा की गोद में जब रखा गया तो जैसे ही पर्दे को हटाया, कपड़े को जैसे ही हटाया, मेरे नबी ने फौरन ही अपनी आंखों को खोल दिया और मुस्कुराना शुरू कर दिया। हजरत हलीमा ने सरकार की मुस्कुराहट, जिस वक्त बच्चा सो के उठता है और वो हंसने लगे तो कितना प्यारा लगता है। हजरत हलीमा ने सरकार को देखा, वो प्यारे पाए प्यारे होंठ, वो प्यारे प्यारे गाल, वो प्यारी प्यारी पेशानी, वो अल्लाहु अकबर नूरानी चेहरा, वो सुरमगी आंखें, वो लम्हाए मुबारक ऐसे अल्लाहु अकबर कबीरा जैसे गुलाब की पत्तियां आपके चेहरे पर। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं, बहुत 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 अच्छा। वो दहन कुदस की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदस, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे आका का चेहरा मुबारक सुभान अल्लाह देखा गया। हजरत दाई हलीमा कहने लगी बच्चा मुझे पसंद है, और मेरे नबी ने दाई हलीमा को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। हजरत दाई हलीमा ने सरकार को देखा तो सरकार को देखकर इन्होंने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। गोया के दोनों ने आपस में नजरे से नजरे मिली, आपस में बात कर ली, किसी को पता भी नहीं लगा। इसीलिए तो शायर ने कहा है कि नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। वाह वाह सुभान। सरकार को लेकर हजरत दाई हलीमा रुकी रही मक्कतुल मुकर्रमा में, अल्लाह अल्लाह मक्के में रुकी हुई है। मेरे आका को दाई ने छाती से दूध पिलाया, सरकार ने नौश फरमा लिया। भाई छाती से पिलाना चाहती थी, सरकार ने मुंह फेर लिया। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रजाई भाई थे यानी हजरत दाई हलीमा के एक बेटे और थे जो बाई छाती से दूध पीते थे। सरकार ने जान लिया कि ये मेरा भाई पीता है। नबी ने हुकूक का कितना ख्याल रखा है। आज हम नबी से मोहब्बत करते हैं और कहते हैं हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और जाकर देखो तो खेत में तो पड़ोसी की मेंढ काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जी, किसी की कहीं जमीन अगर है तो नाजायज कब्जा करने को तैयार। जी, किसी ने अगर 50,000 रुपए दे दिए और कोई उसका गवाह नहीं है तो कहता किसके सामने दिए, चल मस्जिद में कसम खा ले, चल कुरान उठा ले। ये मुसलमानों का हाल हो गया है, 50,000 रुपए पर कसम खाते हो। अब तुम्हारे नबी ने कैसा इंसाफ किया है, कैसा आदल कायम किया है। तुम भी उसी नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने वो आदल कायम किया। अभी सरकार का बचपन है मगर आप भाई का हक नहीं मार रहे हैं। जब आप कुछ उम्र के हिसाब से बड़े हुए तो आपसे पूछा गया या रसूलल्लाह भाई छाती से दूध क्यों नहीं पीते थे। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद अरबी दुनिया में किसी का हक मारने नहीं आया है, जिनका हक मर गया है आमना का लाल दुनिया में उनका हक दिलाने के। नारे तकदीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब दुबला, नारे तकबीर। हजरत दाई हलीमा सरकार को चंद दिनों रुकने के बाद में सोचा गया कि अब जो है खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए, खाने काबा का तवाफ कर लिया जाए। नबी को लेकर के खाने काबा का तवाफ करने के लिए पहुंच गई है। काबे के दाहिनी तरफ तरफ जाती है, काबा दाहिनी तरफ को झुक जाता है, काबे के बाईं तरफ जाती है, काबा बाईं तरफ को झुक जाता है। जिधर सरकार को लेकर जा रही है काबा उधर ही को झुकता चला जा रहा है। सुबह आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का राजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। और राज इलाहाबादी कह उठे कि सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाना काबा के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर। अल्लाह सबको हाजी बना दे। आमीन, आमीन। मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत। हजरत ये मेरे आका की शान देखो, हजरत दाई अली मां फरमाती है मैंने सरकार को लिया और मैं काबे से निकलना चाहती थी, मैं हरम शरीफ से बाहर आना चाहती थी। हरम शरीफ से जैसे ही मैं बाहर निकलना चाहती थी अल्लाहू अकबर कबीरा, हरम शरीफ से मैं बाहर निकली अल्लाहू अकबर, हरम शरीफ से मैं बाहर निकली। आप फरमाती हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अरे काबतुल्ला में जो हजरे अस्वद है वो तो चूमने से रह गया। बेशक बेशक जी। आप हरम शरीफ से बाहर निकली, काबे के इहाते को हरम शरीफ कहते हैं। जी बेशक। आप हरम शरीफ से बाहर और हजरत दाई अली मां फरमाती मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि अरे मैंने इस बच्चे को हजरे अस्वद का बोसा भी नहीं दिलवाया। उस वक्त तक उन्हें यह पता नहीं था कि हजरे अस्वद भी इन्हीं के सदके में लगा है। जी बेशक। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं मैं पीछे को मुड़ी और एक कदम जैसे ही रखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं मैंने देखा काबतुल्ला के अंदर से हजरे अस्वद जो है, जो एक पत्थर लगा हुआ है जन्नती, वो काबे की दीवार से निकलता है और इंसान की तरह चल रहा था। चलते चलते मैं हैरत से देखती हूँ
हिजरे अस्वद चल रहा है और मुस्तफा की तरफ बढ़ रहा है, नबी के करीब आया और आका के होंठों से आकर लग गया और कहने लगा, ए या रसूल अल्लाह, आज मुझे बोसा दे दीजिएगा ताकि कयामत तक आने वाले हाजी कयामत तक मुझे चूमते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लबाए मुबारक को हजरे अस्वद ने बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं। सब लोग वहां चूमने के लिए जाते हैं और बड़ी जो है भीड़ रहती है, बड़ा रश रहता है, बाज बाज को मौका भी नहीं मिलता, दूर से ही ऐसे कर देते हैं। मगर सब काबे में पत्थर जो लगा हुआ है उसे चूमने की कोशिश करते हैं, मगर वो पत्थर खुद सरकार के लबों को चूम रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार के लबों को बोसा दे रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ गौर करो, हजरत दाई हलीमा लेकर के चलती हैं, जिस रास्ते से गुजर रही हैं वो रास्ता महक रहा है, जिस रास्ते से गुजरती हैं वो रास्ता अजीबोगरीब खुशबू से महकने लगता है। आपकी सवारी चलती चली गई, यहाँ तक के देखा गया जो सूखे दरख्त सामने आते हैं फौरन हरे भरे हो जाते हैं, बेमौसम दरख्तों पर फल आना शुरू हो जाते हैं। हजरत दाई हलीमा फरमाती है, मैं सरकार को लेकर अपनी बस्ती में पहुंच गई और जब बस्ती में पहुंची तो मैंने देखा मेरे घर पे तो भीड़ लगी हुई है जी, औरत मर्द बूढ़े बच्चे सबके सब। हजरत दाई हलीमा ने फरमाया, क्या हुआ, किसी से झगड़ा हो गया क्या, क्यों इतनी भीड़ है, क्यों इतनी पब्लिक है। हजरत दाई हलीमा फरमाती है कि कोई, हजरत दाई हलीमा फरमाती है कोई झगड़ा हुआ, लोग कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि सुबह सुबह हमारे कानों में एक आवाज आई, गैब से एक आवाज आई और वो आवाज ये थी, ए लोगो सबके सब दाई हलीमा के घर पर चले जाओ, आखिरी पैगम्बर वहां तशरीफ लाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो उनका दीदार करेगा वो किस्मत का धनी होगा, वो किस्मत का बड़ा धनी होगा, उसकी किस्मत में चार चांद लग जाएंगे। जाकर दीदार करो, ए हलीमा उस बच्चे का दीदार करवाओ, सबने सरकार के चेहरे की जियारत करी। सुभान अल्लाह, बल्कि रिवायत में आया है कुछ औरतों ने बच्चों के सरों पर अपने सरकार का हाथ रखवाया जी, और हदीस में आया जिन जिन के सरों पर सरकार ने अपने बचपने में जिन जिन बच्चों के सरों पर हाथ रखा था उनमें से हर एक बच्चा सहाबी रसूल बन गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं बचा जो सहाबी ना बना हो, हर एक बच्चा सहाबी रसूल। अल्लाहु अकबर। अब लोग जब औरतों ने देखा कि हमारे बच्चों के सरों पर हाथ रख दिया गया और बच्चे सेहतमंद हो गए, बच्चों को शिफा मिल गई, बीमार था तो शिफायाब हो गया है, कमजोर था तो तबाना हो गया है, लागर था तो कवि हो गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये देखा तो कहने लगी औरतें आकर, ए दाई हलीमा अपने बच्चे मोहम्मद का धोवन हमें भी दे दो, अपने बच्चे के हाथ बर्तन में धुलवा कर पानी हमें दे दो ताकि हम अपने बीमारों को पिला दे, ताकि हम अपने लागरों को पिला दे, ताकि हम अपने बच्चों को पिला दे, ताकि बूढ़ों को पिला दे। हजरत दाई हलीमा ने फरमाया ठीक है। हजरत दाई हलीमा हाथ धो धो करके और सरकार के हाथ धोकर लोगों को देती है, बच्चों को देती है, बूढ़ों को देती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। औरतों को आप जो है वो तबर्रुक के तौर पर पानी इनायत फरमाती है। अल्लाहु अकबर। एक वक्त ऐसा भी आया, भीड़ लग गई, दूर दूर तक शोहरा हो गया। हलीमा के घर पर एक बच्चा है जो उसके तलवों का धोवन पी लेता है, जो उसके हाथ का गुसाला पी लेता है, वो बच्चा बीमार नहीं होता है, बीमार होता है तो शिफायाब हो जाता है। हजरत दाई हलीमा के घर पर भीड़ लगने लगी। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं, मैं परेशान हो गई और इतनी परेशान हुई कि मैं अपने काम काज से भी बैठ गई, बस लोगों को धोवन ही मुस्तफा का देती रहती थी। अल्लाहु अकबर। मगर परेशान हो गई, आप फरमाती है मैंने अपने घर के बाहर एक हौज बनवा दिया और बनवाने के बाद में उसमें पानी भरवा दिया और भरवाने के बाद में मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे प्यारे पाए मुबारक, नबी के छोटे छोटे नन्ने नन्ने पांव, प्यारे प्यारे पांव, वो खूबसूरत पांव उस हौज के अंदर हजरत हलीमा ने धो दिए और फरमाया जिसे यहां से पानी ले जाना है वो इस हौज से भरकर ले जाए। औरतें आती हैं कर ले जाती है। आला हजरत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। करन बदली रसूलों की होती रही पर न बदले न बदला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, गमजदों को रजा मुज्द दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह। ए लोगों, सरकार का मिलाद भी मनाया करो, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला करो, ये शिर्क व बिदअत नहीं है। लोग कहते हैं ये जुलूस की सनद कहां से आई है, जुलूस कहां से निकाला गया है। बोले किसी सहाबी ने निकाला। अब जब नबी पैदा हुए तो कोई सहाबी नहीं था तो निकलता कहां से। जी, जब ऐलान नबूवत किया तभी तो सहाबियत का मकाम हासिल हुआ। जब सहाबी थे ही नहीं उस जमाने में तो जुलूस कैसा। मगर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद अपने आप मनाया। बेशक बेशक जी। ऐलान नबूवत का दूसरा साल है, मेरे आका ने 100 ऊंट ज़िबह फरमाए, सबकी दावत फरमा दी। ऐ लोगों आते जाओ, दावत खाते जाओ। लोग आते गए, दावत खाते गए, 100 ऊंट सरकार ने ज़िबह फरमाए। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह ये फरमाइए क्या आज आपका अकीका है। मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं, आज मेरे मीलाद का दिन है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज मेरे मिलाद का दिन है। अब सरकार ने जब मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई तो अल्लाहू अकबर, 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है। अल्लाहू अकबर, मेरे सरकार मक्के से मदीने को हिजरत फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। जब पैदा हुए तब भी 12 रबीउल अव्वल और पीर का दिन। जी बेशक। जब पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। बेशक। और जब सरकार ने मक्के से मदीने को हिजरत फरमाई तो 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन। मेरे आका करीम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अब जब नबी पहुंचते हैं अल्लाहु अकबर, सहाबाए कराम अल्लाह अल्लाह कतार दर कतार खड़े हुए हैं। औरतें अपनी छतों पर खड़ी हुई छतों पर हैं, अल्लाहु अकबर। औरत मर्द सब जुलूस की शक्ल में है, सरकार ऊंटनी पर सवार है। मेरे आका करीम से हर एक सहाबी कह रहा है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ रखिएगा, मेरे घर में आ जाइएगा। मेरे आका ने, मेरे आका दुनिया में किसी का दिल तोड़ने नहीं आए थे, नबी तो टूटे हुए दिलों को दुनिया में जोड़ने आए थे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए किसी का दिल ना तोड़ा करो, किसी का दिल ना तोड़ा करो, वरना सारी इबादत अकारत हो जाएगी। जी बेशक। किसी का दिल ना तोड़ा करो, सब्र से काम लिया करो और फैसला अपना अल्लाह पर छोड़ दिया करो, अगर आप मोमिन हो तो। जी बेशक। नबी ने फरमाया वो बेहतरीन मोमिन है, सबसे अच्छा इंसान वो है कि जिसकी जबान से, जिसके हाथ से और जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक जो है वो अमान में रहे। हजरात तो आओ, मैं अर्ज कर रहा था सरकार का जुलूस निकाला गया, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन है और बच्चियों का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या अब सरकार ये ना सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ऐ लोगों, नाते पूर कर दे जो दीन और ईमान से, ऐसी शान ऐसी अजमत नहीं चाहिए। और मिल गई है नबी की गुलामी हमें, मिल गई है नबी की गुलामी हमें, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे, बहुत अच्छा। और हो मदीना इधर, बागे जन्नत उधर, और फिर कोई पूछे मेरा फैसला। जी वाह वाह सुभान अल्लाह। हो मदीना इधर, बागे जन्नत उधर, और फिर कोई पूछे मेरा फैसला।
साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहे मदीने से इतनी मोहब्बत मुझे, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए है मदीने से इतनी मोहब्बत मुझे, साफ कह दूंगा जन्नत। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाद मर उसके फर्जंद ने तख्त शाही कह करके ठुकरा दिया जी, के बाद मर गए अजीज उसके फर्जंद ने तख्त शाही कह करके ठुकरा दिया, जिस पे लूटा नबी का चमन, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए, जिस पे लूटा गया हो नबी का चमन, मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए। वाह वाह, क्या कहने।